का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन विथ रिलेटेड टू केमिस्ट नेम और स्पेशल नेम, मैंने विशेष नाम से संबंधित या रासायनिकों के नाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। और इस सीरीज में आपको 50 से अधिक रिएक्शंस मिलेंगे जो केमिस्ट के नाम पर या स्पेशल नाम पर आधारित होंगे। जैसे इसका फर्स्ट रिएक्शन शुरू करते हैं उर्ज से। उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन कहता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर टू फॉर्म अल्केन। इसका हिंदी हुआ जब अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है ड्राई इथर मतलब सूखे इथर के उपस्थिति में, तब अल्केन बनाता है। जैसे यह RX मीन्स हो गया, R मीन्स अल्काइल और हैलाइड। और इसका दो मोल लिखते हैं लेते हैं, यह सोडियम से अभिक्रिया कर रहा है यानी कि 2Na से अभिक्रिया कर रहा है, और फिर इसका एक मोल और ले लेते हैं RX माने R फॉर अल्काइल X फॉर हैलाइड, अल्काइल हैलाइड दोनों सेम ही है, यह और यह दोनों एक ही है। तो हम यहाँ पर दो मोल नहीं लेकर के एक एक मोल अलग अलग लिखते हैं, इसका एक मोल यहाँ पर और इसका एक मोल यहाँ पर। और इसमें से यह जो N यानी कि सोडियम है और यह जो हेलोजन है मिल करके एक कंपाउंड बना देता है, और R मिल करके अल्केन बना देता है। यहाँ पर रहता है ड्राई इथर और यह बना देगा R मीन्स अल्केन, और यहाँ पर जो यह बन गया Na और X, तो इसका दो मोल दे देगा NaX। इससे फायदा क्या होता है कि एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे CH3 और यहाँ पर रखते हैं क्लोरीन को, और फिर यहाँ पर लेते हैं सोडियम, फिर यहाँ पर लिख देते हैं Cl और CH3, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड इसके साथ यानी कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह दोनों एक साथ आ जाते हैं और यह ड्राई इथर की उपस्थिति में बना देता है CH3। देखिए यहाँ पर जो CH3 है और यहाँ पर जो CH3 है और यहाँ पर बच गया Na और Cl, तो 2NaCl। इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम सोडियम, इसका भी नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। और यहाँ पर जो बनाया वह हो गया इथेन। तो हम लोग इसकी फायदा का बात कर रहे थे, तब इससे स्पष्ट होता है कि कार्बन की संख्या बढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पर एगो कार्बन है और यहाँ पर कार्बन की संख्या दो हो गया, मैंने कहने का अर्थ है कि कन्वर्सन में उपयोग करते हैं जब कार्बन की संख्या दुगुना करना होता है, जैसे मिथाइल को इथाइल में बदलना होता है। अब जो भी बदलना है जैसे अल्कोहल में बदलना होता है, फिर आप इथाइल क्लोराइड में ही बदलने के लिए दे देता है, तो कन्वर्सन में इसका उपयोग किया जाता है जब कार्बन की संख्या बढ़ानी होती है। थैंक यू।